सो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। आई एम प्रवीण पटवारी लाइव फ्रॉम एक्चुएटर्स कोलकाता एंड आज मैं आप लोग से एक बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने सी ए फाइनल देते टाइम एक्सपीरियंस किया था। नाउ दिस वीडियो इज फॉर मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था सी ए फाइनल में एंड मेरा जो सेकेंड अटेम्प्ट था। सो दिस वीडियो इज फर्स्ट अटेम्प्ट वर्सेज सेकेंड अटेम्प्ट ऑफ माई सी ए फाइनल न्यू सिलेबस एग्जामिनेशन। मैं आप लोग सबसे ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि जो लोग भी सी ए फाइनल दे रहे हैं, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, कि मैंने क्या क्या चेंजेस अपनाए जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, जो मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था, एंड मैंने किस तरीके से सी ए फाइनल एग्जामिनेशन में एस किया, जैसा कि आप लोग सब देख सकते हैं। सो सबसे पहले आपके स्क्रीन में आप देख पा रहे हो, जैसे ये मेरा मे 2019 का रिजल्ट है। मैंने मे 2019 में ग्रुप वन अपियर किया था मेरा, जिसमें आप मेरे मार्क्स देख सकते हैं। मैंने FR में, मैं फेल था FR में, मेरे को 36 मिला था। SFM में आई गॉट एग्जेम्पशन, आई गॉट 66। एडवांस्ड ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स में आई गॉट 37 एंड कॉरपोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज में 60 आया था मेरा। सो माई टोटल वॉज 199। आई गॉट एग्जेम्पशन इन टू सब्जेक्ट्स लकीली एंड द रिजल्ट वॉज फेल। सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने ग्रुप वन के लिए रफली जो भी मैंने पढ़ाई किया था, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया था। और ऐसा नहीं था कि मतलब मेरा कुछ कॉन्सेप्ट वीक था या फिर कुछ ऐसा था, बट मेरे कुछ गलतियां थी जो मैंने आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं पेपर वाइज बात करूँ तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में मेरे फेल होने का कारण ये था कि मैंने इंस्टीट्यूट का रिसोर्स को यूज़ नहीं किया था। अगर आप कोई भी न्यू सिलेबस का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर उठा के देखते हैं तो उसमें कुछ कुछ सम्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली इंस्टीट्यूट के मटीरियल से आते हैं। और आप कोई भी टीचर से पढ़ो, आप कोई भी टीचर से पढ़ो, एवरी वन इज़ गुड, बट इट्स माई ऑनेस्ट रिक्वेस्ट टू यू कि आप लोग प्लीज़ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए इंस्टीट्यूट का जो मटीरियल लेने वाला, उसको ज़रूर 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 फॉलो कीजिएगा। बिकॉज जब आप इंस्टीट्यूट का मटीरियल सॉल्व करते हो तो ना कि आप जब पेपर देने जाते हो, आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होता है। आपको वो कॉन्फिडेंस कैसे जनरेट होगा? बिकॉज आप जो सम्स देखते हैं वहाँ पर जाके, जब आप एग्जामिनेशन में जब सम्स देखते हैं तो आपको लगता है कि नहीं यार, आपने ये तो देखा हुआ है पहले से, बिकॉज आपने इंस्टीट्यूट का मटीरियल पूरा करके गया। सो वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू strictly follow the institute study material of the new syllabus. For SFM, मेरे को exemption मिला था because I am also doing actuaries, तो मेरे को SFM मेरा शुरू से ही मेरा strong point रहा है, तो SFM में मेरे को exemption था. Audit, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा audit में 37 आया था. There was my friend जिसने मेरे को, जब उसका CA final examination clear हुआ था, तो उसने मेरे को बोला था, प्रवीण कि तुम ऑडिट में ग्रुप वन में सबसे ज्यादा फोकस करना, बिकॉज ऑडिट एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पेपर है। आप लोग सबको ये लग सकता है कि ऑडिट एक थियोरेटिकल पेपर है, लास्ट में देख लेंगे, बट ट्रस्ट मी, ऑडिट इस तरीके से नहीं पढ़ा जाता है। ऑडिट मेरा गलती ये हुआ था, मैंने एक टेक्स्ट बुक बाई किया था जो कि बहुत अच्छा था, जिसमें सारे कंटेंट थे। मैं ऑथर का यहाँ पर नाम डिस्प्ले नहीं करूंगा बिकॉज टेक्स्ट बुक वॉज रियली 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 गुड। इट वॉज इन माई स्टडी पैटर्न जो मैंने गलत किया था। सो जब मैंने ऑडिट की पढ़ाई की तो मैंने टेक्स्ट बुक को बस खाली एक प्लेन रीडिंग दिया था। आई डिडंट फोकस मच ऑन दी एग्जाम क्वेश्चंस। दिस वॉज माई मिस्टेक। तो अगर आप ऑडिट में इस तरीके से फेल नहीं होना चाहते हो, आप 37, 39 में नहीं रुकना चाहते हो, तो प्लीज टेक्स्ट तो पढ़िए, चाहे आप कोई भी ऑथर का बुक फॉलो करो, एवरी वन इज सेम। टेक्स्ट तो आप फॉलो करना, संग संग आपको ऑडिट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चंस बहुत ज्यादा सॉल्व करना पड़ेंगे, लॉ और ऑडिट। जनरली व्हाट पीपल डू इज दे बाय द टेक्स्ट बुक, वो लोग पढ़ते भी है बट फिर भी दे डोंट क्लियर द एग्जाम। द मेन रीजन बीइंग, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने ऑडिट में ना कुछ भी लिख के प्रैक्टिस नहीं किया था। मैंने बस टेक्स्ट बुक से पढ़ लिया था एंड मैंने क्वेश्चंस भी उतने अच्छे से नहीं किए थे। बट जब मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, मेरे पास सिर्फ 7 दिन थे, ट्रस्ट मी, मेरे को 7 दिन में ऑडिट खत्म करना था। मैंने बस खाली क्वेश्चंस किया था उस समय, तब मेरे को समझ में आया कि नहीं यार, मैंने फर्स्ट टाइम में क्या गलती किया था, मैंने सेकंड टाइम में क्या चीज सही किया। सो अभी हमारा जो लॉ एंड ऑडिट है, इसमें यू गेट MCQs, राइट? सो जैसे आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि MCQ मैं शेयर करना चाहता हूँ, मन में बात आ रहा है अभी, तो अगर आप लोग सब ये सोचते हैं कि आप लोग 2-3 चैप्टर छोड़ के चले जाएंगे एग्जाम में तो आपको बहुत अच्छा हो जाएगा, बट गाइस प्लीज कुछ भी छोड़ के मत जाना एग्जाम में। मेरे अटेम्प्ट में क्या हुआ था, इफ आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू, मेरे अटेम्प्ट में एक चैप्टर था स्पेशल ऑडिट असाइनमेंट, फॉर एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट्स का, और उसमें बहुत सारे टाइप के एनर्जी ऑडिट वगैरह थे, एंड उस चैप्टर से भर भर के MCQs आया था। तो ये मेरा पहला मिस्टेक था कि मैंने कुछ छोड़ के गया। तो प्लीज जिस भी पेपर में MCQ है,
आईसीआई का पेपर जो होता है वो पूरा बहुत ही अच्छे से लाइक हर एक चैप्टर से दे ट्राई टू पुट इन क्वेश्चंस. तो अगर आपको लॉ और ऑडिट में अच्छा नंबर लाना है, फेल तो नहीं होना है, 40 का तो सोचना भी नहीं है, अब आपका लॉ और ऑडिट में भी बहुत अच्छा मार्क्स आ सकता है. लाइक आपको ऑडिट के लिए मैं अगर आपको सजेस्ट करना चाहूं तो ऑडिट में आपको सिर्फ दो चीज करना है. पहला चीज कि आप कुछ भी छोड़ के मत जाना, लाइक हर चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए. एंड द दूसरा चीज है कि आपको क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस करने हैं. अगर आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो तो आपका क्या होता है, कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है एंड आपको लिखने का लाइक वो मिलता है कि हाँ आप यहां से लिख सकते हो, आप वहां से लिख सकते हो. सो यू शुड प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन ऑडिट. सो दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लॉ में मैं अपना स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूंगा कि लॉ में मैंने किस तरीके से पढ़ाई की थी. तो लॉ में मैंने टेक्स्ट बुक बाय किया जो ऑलमोस्ट सब लोग सेम ही टेक्स्ट बुक बाय करते हैं. अगेन आई वोंट टेक द नेम ऑफ द ऑथर. सो टेक्स्ट बुक मैंने जो बाय किया था लॉ में मेरा इतना अच्छा नंबर कैसे आया, बिकॉज लॉ में मैंने लिख के प्रैक्टिस किया. दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस कि आप कोई भी जब थ्योरी सब्जेक्ट को लिख के प्रैक्टिस करते हो ना, आप उसको बस खाली सिर्फ पढ़ते हो. मैंने लॉ के पूरे समरी नोट्स खुद से बनाए थे, मैंने सारे लॉ के समरी नोट्स खुद से बनाए थे एंड इट रियली 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 हेल्प्ड मी अलॉट. सो लॉ के लिए मैं आपसे, जैसे अगर आप कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ते हो, सो मेक योर ओन समरी नोट्स, मेक योर ओन समरी नोट्स. लाइक ट्यूशन हम लोग सब लेते हैं बट अल्टीमेटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन सीए फाइनल इज योर सेल्फ स्टडी. अगर मैं जानता हूं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको लगता है कि आपके पास टाइम कम है, तो बेटा आपके पास टाइम कम नहीं है, आप भी क्रैक कर सकते हो मेरी तरह जैसे मैंने क्रैक किया था. सो सबसे पहला बात, मन से ये चीज़ हटा दीजिए कि आपके पास टाइम कम है, आपके पास सिर्फ दो ही महीने बचे हैं, आपके फ्रेंड्स का तो सारा कोचिंग लिया हुआ है. दीज आर दी जनरल थिंग्स विच कम टू योर माइंड कि आपका दो तीन कोचिंग नहीं लिया हुआ है तो आपके फ्रेंड्स आपसे बहुत ज़्यादा अच्छे. ऐसा कोई बात नहीं है. सेल्फ स्टडी अगर आप करते हैं ना, अपने आठों पेपर को अगर बैलेंस करके पढ़ाई की है, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है. एंड प्लीज ये सब में मत जाइएगा कि आईसीआई का पासिंग रिजल्ट बहुत कम है, मार्क्स नहीं देते एंड ऑल दैट. आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना है, आपको सिर्फ अपना पढ़ाई पे फोकस करना है एंड लोग पास होते हैं. आप लोग ये सब के अलावा अगर आप इस चीज पे फोकस करते हो, आप ये देखो कि हर 6 महीने में हजारों की तादाद में लोग पास हो रहे हैं. आप ये देखो कि हर 6 महीने में, अगर मान फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर्स, अगर आप मान लो हर 6 महीने में 10,000 लोग भी सीए बन रहे हैं, तो क्या आप उनमें से एक नहीं हो सकते? आप भी हो सकते हैं. सिर्फ आपका स्ट्रेटजी करेक्ट होना चाहिए. यू शुड लर्न मोर अबाउट प्रेशर मैनेजमेंट एंड हाउ टू बैलेंस ऑल दी 8 पेपर्स. लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा नहीं कि मैंने बहुत कम मेहनत किया था, बट मेरे पढ़ने का स्ट्रेटजी टोटल जीरो था. फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने घर पे 3 महीने रहकर पढ़ाई किया था, बट फिर भी मैं फेल हो गया. लाइक स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आप लोग ने जहां से भी कोचिंग ली है, प्लीज एकदम बहुत अच्छे से करिएगा. एंड अगर आपको टाइम मिले, अगर आप न्यू सिलेबस में हैं, तो जैसे आप लोग खाली प्रैक्टिकल 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 मत करिएगा, आप लोग थ्योरी भी पढ़िएगा. बिकॉज अगर आप नया सिलेबस का क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन कंपलसरी है थ्योरी का. हर एक जो आपका क्वेश्चन होता है उसमें एक थ्योरी क्वेश्चन कंपलसरी होता है. अगेन SFM में आई गॉट 66, बट आई कुड हैव गॉट मोर देन 80. अब जो हो गया वो तो हो गया ना, बट आपको मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि SFM में अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है, तो प्लीज थ्योरी को भी इंपॉर्टेंस देके पढ़िएगा. बिकॉज थ्योरी रफली, अगर जहां तक मेरा एस्टिमेट रॉन्ग नहीं है, थ्योरी रफली 20 से 25 नंबर का आता है. एंड वो थ्योरी आप आराम से 2 से 3 दिन में पढ़ सकते हो. थ्योरी वो पोर्शन है जो रफली मान लीजिए 1/5 ऑफ द SFM पेपर को कंस्टिट्यूट करता है, 1/5 या फिर 1/4 पेपर आई वुड रादर से, जो भी आपका है रफली 20 नंबर का. अगर आप थ्योरी पकड़ के चलते हैं, तो अपने SFM के लिए मान लीजिए 400 घंटे पढ़ाई किया कोचिंग में, आपको सिर्फ मैं 2 से 3 दिन देने बोल रहा हूं थ्योरी में, सिर्फ 2 से 3 दिन आपको थ्योरी में देना है. तो अगर आप 2 से 3 दिन थ्योरी में देते हैं, तो आपका थ्योरी भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा एंड आप SFM पेपर में सारा थ्योरी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे. बिकॉज वो डायरेक्ट इंस्टीट्यूट के मटेरियल से वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं SFM के थ्योरी में. मेरे पास हल्का सा टाइम कम पड़ गया था, तो मैंने ज्यादा प्रैक्टिकल पे फोकस किया था. दो आई माइनस टू स्कोर एग्जम्पशन, बट आई कुड हैव डन मच 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 मोर बेटर इफ आई वुड हैव डन थ्योरी इन अ वेरी नाइस मैनर. ओके, सो मैंने आपसे पेपर वाइज सारा स्ट्रैटेजी शेयर किया. अगेन आई रिपीट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में इंस्टीट्यूट का मटेरियल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अगर आपने नहीं किया है तो आप आज से ही करो, बिकॉज इंस्टीट्यूट के मटेरियल से क्वेश्चंस आते हैं. आपको कॉन्सेप्ट आता है, इट्स वेरी गुड, बट एक बार इंस्टीट्यूट का मटेरियल को देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने कहीं से भी कोचिंग लिया है, दैट्स वेरी गुड, आप उसको बहुत अच्छे से पढ़िए. सब टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बट प्लीज आप इंस्टीट्यूट का मटेरियल को देखना मत भूलना, स्पेसिफिकली फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. एंड SFM के लिए मेरा ये स्ट्रैटेजी था कि मैं आपको बता रहा हूँ, लाइक मेरा SFM
शुरू से बहुत स्ट्रांग पॉइंट रहा है. सो मेरे को ये नहीं पता कि आपका SFM कितना स्ट्रांग है, बट SFM में आपको थ्योरी पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप पेपर एनालिसिस करोगे तो SFM में थ्योरी आता है जिसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, अगर आपको बहुत अच्छे नंबर से पास होना है या फिर आपको रैंक लाना है तो. अगेन ऑडिट में मैंने आपको अपना वीकनेस बताया कि ऑडिट मैंने पढ़ा बहुत अच्छे से था, वो 800 पेज का किताब था, वेरी नाइसली रिटन इन दैट बुक. अगर आप लोग को कुछ भी जानना है कि मैंने कहाँ कहाँ से पढ़ाई किया था, तो प्लीज़ आप मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग मेरे से वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वी कैन हैव अ टॉक इन डिटेल. बट एज ऑफ नाउ ट्रस्ट मी द बुक वॉज वेरी गुड, बट इट वॉज माई फॉल्ट कि मैंने ऑडिट में क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस नहीं किया था. तो ऑडिट को अगर आपको बहुत अच्छे से क्रैक करना है तो आप MCQ वाले पोर्शन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे लॉ में और ऑडिट में ना एक फर्क होगा जो आपने भी नोटिस किया होगा, वो फर्क क्या मैं आपको बताता हूँ. फर्क ये है कि जो आपका ऑडिट है वो ऑडिट में ना लाइक आपको ज्यादा कुछ लिमिट्स वगैरह नहीं मिलेंगे. लाइक ऑडिट में फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट योर कारो, तो कारो इज अ प्लेस वेर यू कैन गेट सम लिमिट्स, या फिर आपके पैरा 3.9 में क्या है, पैरा 3.10 में क्या है, तो वो सब आपको थोड़ा बहुत याद करने वाला पोर्शंस है. लेकिन ऑडिट में ज्यादा लिमिट्स वगैरह कि 100 करोड़ से ऊपर, 200 करोड़ के नीचे होगा तो ये होगा, ये सब लॉ में ज्यादा है. तो ऑडिट का जो MCQ रीजन है ना वो कंपैरेटिवली जैसे मैंने देखा, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल अपना वो प्रोफेशनल एथिक्स वाला जो पोर्शन है, तो ऑडिट में अगर कोई बच्चा जब पढ़ रहा है, आप ये देखो जब आप पढ़ रहे हो, अगर मान लो आज से आप एक बार भी रिविजन करते हो ऑडिट का, लाइक आप इस मई में दे रहे हो, फिर आप नवंबर में दे रहे हो, फिर आप कभी भी एग्जाम देख रहे हो और अभी वीडियो देख रहे हो, तो आप जब भी अपना लास्ट रिविजन करो ना, तो बस खाली एक बार ये सब देख लेना कि क्या आपको ये सब याद है ना सारे लिमिट्स वगैरह, बिकॉज ऑडिट में ना बहुत कम लिमिट्स वगैरह आपको मिलेंगे कंपेयर टू लॉ. मिलेंगे बट लॉ के मुकाबले बहुत कम मिलेंगे आपको. लाइक लॉ में सेक्शन नंबर्स होते हैं, लिमिट्स पेनल्टीज वगैरह लॉ में बहुत ज्यादा होते हैं कंपेयर टू ऑडिट. दिस इज व्हाट आई फेल्ट. एंड लाइक लॉ का मैंने आपको पूरा स्ट्रैटेजी अपने रख दिया सामने कि लॉ मैंने किस तरीके से पढ़ाई की थी. लॉ में मैंने अपना खुद का समरी नोट्स बनाया था. अगर ट्रस्ट मी, अगर मेरे को पता होता था कि ये डिफरेंस है कि 37 और 60, तो मैं ऑडिट भी लिख के प्रैक्टिस करता. आप लोग को ऐसा लगता है कि यार अपना खुद का समरी नोट्स क्या बनाएंगे, हम लोग को तो मिल रहा मार्केट में, बट खुद का लिखा हुआ से ही याद होता है, खुद का लिखा हुआ से ही याद होता है. ये जो अभी आपका टाइम पीरियड है, 3 महीना आपको छुट्टी मिला ऑफिस से, 2 महीना छुट्टी मिला है, ट्रस्ट मी आई एम अ फुल टाइम टीचर एंड मैंने फुल टाइम टीचिंग के साथ में सीए फाइनल एग्जामिनेशन क्लियर किया है. माई मेन रीजन फॉर गिविंग ओनली ग्रुप 1 इन मई 2019 वॉज कि मैं फुल टाइम पढ़ाता था. एंड मतलब कि उसके साथ मैंने जो डिफरेंसेस फील किए, मैं यही शेयर करना चाहता हूँ कि जो भी ये वीडियो देखे उसके बाद उसको इनसाइट्स मिले कि न्यू सिलेबस में क्या क्या चीज़ आप अगर अच्छे से करते हो, देन यू कैन इजीली क्लियर द एग्जामिनेशन. एटलीस्ट अगर आप इसको बहुत अच्छे से फॉलो करते हो, लाइक ऑडिट में और लॉ में, मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास टाइम है तो आप प्लीज़ लिख के अपना खुद का समरी नोट्स बनाना. बिकॉज यू नो वॉट, आप जब फर्स्ट टाइम पढ़ते हो तो आप हर चीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ते हो, बट जब सेकेंड टाइम पढ़ने जाते हो ना, देखते हो यार टाइम ही नहीं बचा है, अब तो एग्जाम आने लग गया, एंड देन यू फील प्रेशर्ड. समरी नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एक चीज जो मैंने फील की है, पढ़ो वही जो एग्जाम तक याद रख पाओ, पढ़ो वही वो एग्जाम तक याद रख पाओ से मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, पहले सबसे पहले सारा सिलेबस खत्म कर लो, पहले सारा चैप्टर्स एक बार पढ़ लो. नहीं, आपको रिविजन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने ये स्ट्रैटेजी सेकेंड अटेम्प्ट में फॉलो किया कि विजन से पहले रिविजन इंपॉर्टेंट है, विजन से पहले रिविजन मेरा इंपॉर्टेंट था. तो अगर मान लीजिए मैं 3-4 चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है, और मैंने उसको स्ट्रेट एग्जाम के पहले पढ़ा, तो फिर पढ़ के कोई मतलब नहीं है. नॉलेज पर्पस ठीक है, लेकिन अगर आपको एग्जाम्स को क्लियर करना है तो पढ़ना वही जो एग्जाम तक याद रख पाओ. मतलब याद कैसे रहेगा वो एग्जाम तक, कि आप उसको बार 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 रिविजन करते रहो. कुछ भी छोड़ के तो नहीं जाना है, लेकिन अगर टाइम परमिट नहीं कर रहा है, आपको लगता है आपके पास टाइम कम है, तो रादर देन गोइंग फॉर दी लाइक कि आपको सब कुछ है, आपको जैसे फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि आपके पास टाइम हल्का कम है, तो गिव मोर रिविजन्स. जितना ज्यादा आप रिविजन्स करोगे उतना ज्यादा आपको बढ़िया होगा. सो दिस वॉज द फर्स्ट अटेम्प्ट. लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं आपको और एक फीलिंग शेयर करना चाहता हूँ, जो आई गेस जो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा वो सब लोग ये फीलिंग शेयर करते कि बहुत ज्यादा डरे हुए रहते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा डरे हुए रहता है, लगता है यार सीए तो कितना बड़ा चीज है, हम लोग से तो हो ही नहीं सकता. मैं खुद ये फील करता था एक टाइम पे कि यार सीए जैसी चीज मेरे लिए तो नहीं है.
सीए फाइनल का सिलेबस इतना बड़ा है कि यार मेरे से तो ये चीज़ नहीं हो पाएगा। एक मन में बन जाता है कि यार ये पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बट वैसा बिल्कुल मत सोचिएगा। ट्रस्ट मी, फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैंने दिया, सेकेंड अटेम्प्ट मैं एकदम निडर होकर एग्जाम दिया था। लाइक ऐसा था कि नहीं यार जो होगा देखा जाएगा, पढ़ा तो है ना भगवान भरोसे, सब कुछ अच्छे से पढ़ के भी गया था। एंड सेकेंड अटेम्प्ट में मेरे मार्क्स बहुत 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 अच्छे आए थे। सो अगेन मैं आपको ये चीज़ चारों का मैंने आपको पेपर वाइज बता दिया, बट मैं आपको सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि पढ़ो वो ही जो याद रख सको। और वो कैसे पॉसिबल है कि आप मल्टीपल टाइम्स रिविजन करो। एंड जो MCQ पेपर, जिस पेपर में MCQ है, उस पेपर में आप कुछ भी छोड़ के नहीं जा सकते हैं, जिस भी पेपर में MCQ है, बिकॉज इंस्टीट्यूट MCQ हर एक जगह से पूछता है, हर एक जगह से पूछता है वो MCQ। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो MCQ में आपको ज्यादा घबराने का दरकार नहीं है। ऐसा नहीं कि सारा क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होता है, कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस अगर आपने पढ़ा है तो आपसे हो जाए, कुछ क्वेश्चंस हाँ थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। सो इट्स अ मिक्स। सो दिस वॉज मी फर्स्ट अटेम्प्ट मार्क्स, कि मेरे को 199 आया था, गॉट एग्जेम्पशन इन लॉ बिकॉज मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे। ऐसा नहीं कि आपको हैंड रिटन नोट्स ही बनाना है, बट हाँ हैंड रिटन नोट्स बनाने से मेरे को बहुत फायदा हुआ था। सो अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मेरे सेकेंड अटेम्प्ट में कितने मार्क्स आए थे। सो दिस वॉज माई नवंबर 19 एग्जामिनेशन, दिस वॉज माई नवंबर 19 एग्जामिनेशन। एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में आप समझो जब मेरे को चार पेपर देना था, मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। एंड कंपेरेटिवली जब मेरे को 6 पेपर देना था नेक्स्ट अटेम्प्ट में, मेरे पास टाइम उससे भी कम था। लाइक आपको शायद पता हो कि मई 2019 में इलेक्शंस के वजह से जो एग्जाम था वो एक महीना डेफर हो गया था, तो रिजल्ट भी डिले आया था। लाइक जनरली जुलाई तक आता बट हमारे टाइम में अगस्त तक आया था। उस समय मेरे फुल टाइम क्लासेस भी चलते थे एंड मेरे को पढ़ना भी था। सो आई फॉलोड वेरी वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी, मैंने अपने मिस्टेक से सीखा, बिल्कुल भी नहीं रोया। जिस दिन तो को थोड़ा बहुत तो रोना आता है, उस दिन मैंने रोया एंड उसके बाद मैंने पढ़ाई में लग गया। अगेन आई वॉन्ट टू शेयर द स्ट्रैटेजी ऑफ माई सेकेंड अटेम्प्ट। सबसे पहला स्ट्रैटेजी था सेकेंड अटेम्प्ट में कि मैं बिल्कुल भी नहीं डरा। अगर हम डरते हैं हमारा प्रोडक्टिविटी कम होता है एंड हम लोग को पढ़ने का इच्छा नहीं करता है। बट मैं सेकेंड अटेम्प्ट में बिल्कुल भी नहीं डरा एंड दैट्स वॉट हैज केप्ट मी गोइंग अंटिल माई एग्जामिनेशन एंडेड। सो आप देख सकते हैं सेकेंड टाइम मेरे को FR में मिला था 57। मैं बता रहा हूँ लाइक अगस्त मिड से लेके सेप्टेम्बर अक्टूबर मिड तक मैंने खाली ग्रुप 2 पढ़ा था, बिकॉज आई वॉज वेरी मच डीमोटिवेटेड एट दैट टाइम। होता है आई वॉज वेरी मच डीमोटिवेटेड कि नहीं मैं खाली आपके पास ग्रुप 2 दूंगा, ग्रुप 2 मेरे को क्लियर करना है बहुत अच्छे मार्क्स से एंड नेक्स्ट अटेम्प्ट में मेरे पास सिर्फ 2 पेपर बचेंगे, मैं उस समय ग्रुप 1 दे दूंगा। बट अचानक से मेरे को ये लगा नहीं यार कि और इसको कितना डिले करेंगे और कितना डिले करेंगे, इसी अटेम्प्ट में दे के निकालना है एंड मैंने किया। सो टाइम कभी भी कम नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट योर स्ट्रैटेजी, इट्स ऑल अबाउट योर हार्डवर्क। टाइम कभी भी कम नहीं होता एंड टाइम कभी भी आपको जैसे लग रहा है ना कि यार 10 दिन और मिल जाता, 15 दिन और मिल जाता, बट ये सब आपके माइंड में चल रहा है। आप सेम टाइम में बहुत कुछ पढ़ाई कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में नेक्स्ट टाइम में मैंने स्ट्रिक्टली इंस्टीट्यूट का मटेरियल के सारे सम्स को बहुत अच्छे से कर लिया था, सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह बहुत अच्छे समझ लिए थे एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अगॉट 57। एंड जैसे मेरा जो अकाउंटिंग पोर्शन है वो शुरू से उतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं रहा। हाँ मेरे को सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आते थे बट थोड़ा सा डर सा लगता था। सो आई वॉज वेरी हैप्पी सीइंग कि मेरे को 57 मिला जस्ट बिकॉज आई फॉलोड द इंस्टीट्यूट रिसोर्सेज फॉर द न्यू सिलेबस आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी स्ट्रिक्टली। ओके, उसके बाद में आप देख सकते हो ऑडिट मेरे पास सिर्फ 1 वीक था। ऑडिट वॉज द पेपर दैट स्केयर्ड मी लाइक एनीथिंग, बिकॉज आप कोई सब्जेक्ट में फेल हो जाते तो आपको लगता है कि यार, एंड क्योंकि मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा गलती कहाँ हुआ। मैंने अपने कॉपीज मंगवाए, मैंने देखा कि यार मार्क्स तो वो लोग दे रहे थे बट मैंने कंटेंट ही सही नहीं लिखा था। कंटेंट सही इसलिए नहीं लिखा था बिकॉज मैं एग्जाम तक मेरे को उतना याद नहीं रह रहा था चीज़ें। तो मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में क्या किया, खाली क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पढ़े एंड थोड़ा जब मैं पढ़ रहा था तो मैं ये देख रहा था कि नहीं यार यहाँ से MCQ वो लोग पूछ सकते हैं, यहाँ पर हल्का लिमिट्स है तो मैं यहाँ से ये सब पढ़ लेता हूँ। तो दैट इज वॉट कि ऑडिटिंग में मेरे को 43 मिला एंड आई पास्ड माय ग्रुप 1 एग्जाम। सो अक्टूबर मिड से लेके अक्टूबर एंड तक मैंने सिर्फ ग्रुप 1 को दिया एंड उसमें मैंने अकाउंटेंसी एंड मेरे ऑडिट का प्रिपरेशन किया। सो अकाउंटेंसी अगेन मैंने पूरा रिविजन किया बिकॉज फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने बहुत अच्छे से ही पढ़ाई की थी। आर यू सीइंग कि मेरे को जस्ट 199 मिला था। मेरा कोई एग्रीगेट शॉट वगैरह नहीं था, मेरे को बस खाली हल्का फुल्का और अपने
स्ट्रैटेजी को मैंने इंप्रूव किया एंड आई क्लियर्ड. सो ऑडिट के लिए अगेन मैं आपको बोल रहा हूं कि ऑडिट अगर हो सके तो मेक योर ओन समरी नोट्स, आपको बहुत हेल्प करेगा. प्लस ऑडिट में जब आप पढ़ते हो तो आपको सारी चीजें एक जैसी लगेंगी, तो आपको यही नहीं समझ में आएगा कि मतलब एग्जाम में इसमें क्या लिखे. एंड ऑडिट में जो आप पढ़ते हो एंड जैसा क्वेश्चन आते हैं वो दोनों अलग अलग चीज है. तो ऑडिट में क्वेश्चन सॉल्व करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट प्रोफेशनल एथिक्स सबको लगता है कि बहुत इजी पोर्शंस है, बट अगर आप प्रोफेशनल एथिक्स में देखो इंस्टीट्यूट बहुत नए नए टाइप के क्वेश्चंस बना रहा है, तो उसको अगर आपको करना है तो आपको पास्ट में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं आपको उनको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. रैदर देन स्टडिंग द सेम बुक अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, यू शुड हैव अ वेरी लाइक डायनामिक काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी कि चलो मैं ये आरटीपी पढ़ लेता हूँ आज, मैं ये एमटीपी कर लेता हूँ, मैं ये पास्ट पेपर देख लेता हूँ. एंड जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं बताया आपको कि मैंने कोई भी सब्जेक्ट का पास्ट पेपर नहीं देखा था, लाइक एक दो भले ही देखा हो, लाइक एक दो तो देखा ही होगा, देखा ही था आई गेस, मतलब उतना याद नहीं है, बट हाँ मैंने देखा था, बट उतने अच्छे से मैंने सॉल्व वगैरह नहीं किया. तो पास्ट एग्जाम पेपर को देखना, एनालाइज करना कि कहाँ से कितना क्वेश्चन आ रहा है, इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टडी स्ट्रेटेजी. ओके, सो नाउ लेट्स कम टू ग्रुप टू. लाइक आप लोग के लिए बहुत ये नॉर्मल मार्क्स होगा, बट आई वॉज वेरी 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 हैप्पी सीइंग द टाइम कि मैंने जितना पढ़ा था एंड मेरे को जैसे मार्क्स आए. आई गॉट 269 इन ग्रुप टू एंड आई वॉज रियली वेरी हैप्पी. लाइक ग्रुप टू में मेरा जो सबसे बड़ा हॉरर था वो था डायरेक्ट टैक्स. लाइक सबने मेरे को इतना डरा दिया था कि यार डायरेक्ट टैक्स में इतना बड़ा सिलेबस है, हाउ विल यू कवर अप इन सच शॉर्ट टाइम. लाइक आई विल शेयर सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी कि अगर आप ऐसे ऐसे करते हो तो मेरे को तो फायदा हुआ था, बट आपको भी जनरली फायदा करना चाहिए. बट आपका अगर स्टडी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा है देन दैट्स नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम फॉर मी. ओके, सो नाउ लेट्स कम टू पेपर 5 SCM एंड PE. अगर आप लोग देखोगे लाइक अगर आपने ओल्ड सिलेबस में कहीं से भी कोचिंग ले रखा है तो ओल्ड सिलेबस में और न्यू सिलेबस में जनरली क्या होता है, मैं आपको जो डिफरेंस बताना चाहूंगा कि ओल्ड सिलेबस में सम ज्यादा आते बट न्यू सिलेबस का जो हमारा है दैट इज मोर डायनामिक केस स्टडी ओरिएंटेड पेपर. नाउ व्हाट इज केस स्टडी ओरिएंटेड पेपर, लाइक प्रैक्टिकल तो आता है बट हाँ राइटिंग बहुत ज्यादा है, थ्योरेटिकल एनालिसिस टाइप के पोर्शंस बहुत ज्यादा है. लाइक पहले क्या होता था, वो लोगों को बोलते थे ये निकालो ये निकालो ये निकालो ये निकालो, खाली निकालने बोलते थे. बट अब पता है कैसा क्वेश्चन आता है कॉस्टिंग में, वो लोग बोलते हैं ये निकालो एंड समझाओ. वो जो समझाओ वाला पोर्शन है वो कॉस्टिंग में नया है. सो कॉस्टिंग में आई गॉट 69 एंड अगेन जैसे मैंने आपको बताया था FR के लिए कॉस्टिंग में द बेस्ट थिंग टू डू इज इंस्टीट्यूट स्टडी मटीरियल. लाइक इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है, लाइक नया सिलेबस में अगर आप देखते हो तो नया सिलेबस में लाइक एक आपका उसमें केस स्टडी कंपलसरी आता ही आता है. जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहता है वो केस स्टडी कंपलसरी आता ही आता है. तो कॉस्टिंग में अगेन इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है दैट इज वेरी 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 नाइस एंड उसी से लाइक आप अगर देखते हो तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं. आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स अगर आपने कहीं से भी कोचिंग ले रखा है लाइक सारे टीचर्स बहुत अच्छे, आपका कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए एंड लाइक इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक एनालाइजिंग कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं फॉर्म्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ स्टडी स्ट्रेटेजी. अगर आप सिर्फ ये कर रहे हो कि आप खाली पढ़े जा रहे हो एंड आप पेपर्स नहीं देख रहे हो, आप RTPs नहीं देख रहे हो, तो शायद आप गलत कर रहे हो. शायद आपको थोड़े रिवैम्प की दरकार है आपके स्टडी स्ट्रेटेजी में, आपको थोड़ा चेंजेस लाने की दरकार है. तो कॉस्टिंग के लिए अगेन आई वुड सजेस्ट कि इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है, पास पेपर्स है, MTPs है, RTPs है, अगर आप ये सब करते हो तो आपको बहुत 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 फायदा होगा. नाउ नेक्स्ट इलेक्टिव पेपर. आई टुक रिस्क मैनेजमेंट बिकॉज अगेन आई टोल्ड यू आई वाज डूइंग एक्चुअरीज, तो मेरा थोड़ा उसमें होल्ड था. रिस्क मैनेजमेंट में आई गॉट 76. नाउ अगर कोई मेरे से पूछे कि सबसे कम टाइम मैंने किस में दिया था, दैट वॉज रिस्क मैनेजमेंट. द रीजन भी अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ. लाइक हमारे टर्म में क्या हुआ था, मैं आपको बताता हूँ. लाइक एग्जाम में अगर आप कोई एक ऐसा चीज देखते हो कि जो इंस्टीट्यूट ने स्पेसिफिकली बोल दिया है कि वो इस टर्म से सिलेबस में नहीं है बट उसी चीज से क्वेश्चन आता है, तो आपको कैसा लगेगा? हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था. बट रादर देन बींग वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड बिफोर एट द पॉइंट ऑफ टाइम एंड आफ्टर गिविंग द एग्जाम, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट के बाद भी मेरे पास दो पेपर थे देने के लिए, मैं गुस्सा नहीं हुआ. मैं गुस्सा होकर क्या करूंगा. लाइक हमारे टर्म में डायरेक्टली बोल दिया गया था कि प्रोबेबिलिटी टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट आए थे. बेस थ्योरम एक टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे, ठीक है.
जो भी एरर था उनके तरफ से किसी की भी तरफ से, आई वॉजंट कंसर्न अबाउट दैट. मेरे को था कि नहीं यार मेरे को इस टर्म में ही क्लियर करना है. तो दिस वॉज माई एटीट्यूड कि नहीं यार पूरा दुनिया से मेरे को भी कोई मतलब नहीं है. आई हैव गिवन दिस होल ईयर बिकॉज मैं जनवरी से ही बहुत अच्छे से पढ़ने लग गया था. लाइक मैं मई में ग्रुप वन देने का प्लान था, नवंबर में ग्रुप टू, बट वो हुआ नहीं वैसा एज प्लान्ड. तो जनवरी से बहुत मेरे को लगा कि यार पूरा साल पढ़ा है, अब तो यार बस खाली मेरे को करना ही है. तो इलेक्टिव पेपर में आई वुड रादर सजेस्ट यू कि आप सारा कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लो एंड मेक योर ओन मैपिंग शीट. लाइक वो मैपिंग शीट का मतलब क्या है, लाइक जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको लगता है कि यार जैसे फॉर एग्जाम्पल चैप्टर नंबर वन में पेज टू में क्या क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ अगर आप उसको अच्छे से एक जगह पे लिख लेते हो तो वो ज़्यादा आपको हेल्प करेगा कंपेयर टू डेफिनेशंस को रटना. बिकॉज इट्स एन ओपन बुक एग्जाम, यू कैन टेक ऑल द बुक्स यू नीड, बट आई डोंट थिंक सो दैट यू नीड एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट स्टडी मटीरियल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. एंड ऑफकोर्स इफ यू हैव टेकन द कोचिंग तो उन टीचर का जो नोट्स है वो आपको लेके जाना है, एंड आपका अपना कोई आपने कोई रिसोर्स प्रिपेयर किया तो आप लेके तो सारा ही जाओगे. बट वॉट हेल्प्ड मी इज कि वो जो मैपिंग शीट था, मैंने लाइक रिस्क मैनेजमेंट का जो मैट था पहले मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ लिए, एंड मेरा मेन फोकस रटने में नहीं था रिस्क मैनेजमेंट में. रिस्क मैनेजमेंट में मेरा मेन फोकस रटने में नहीं था, मेरा फोकस ये था कि कहाँ पर क्या चीज़ है, मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छे से देखना है. आप लोग इस तरीके से नहीं कर सकते कि पहले आपने पूरा मटेरियल पढ़ लिया एंड उसके बाद में लाइक आप देख रहे हो कि ना यार आप देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर से क्या क्या है. आप जब पढ़ रहे हो उसी सेम टाइम में आप ये चीज़ करो कि जैसे मान लो आपने पेज वन पढ़ा एंड देन यू नोट डाउन कि पेज वन में मैंने यही इंपॉर्टेंट चीज देखा है. अब आप क्या करो, आप पास्ट पेपर्स करना इज अ मैंडेटरी थिंग इन द इलेक्टिव पेपर बिकॉज ऑल द रिसोर्स दैट यू हैव इज द पास्ट पेपर. तो मैंने क्या किया था, मैंने एक स्पाइरल करवा लिया था जितने भी इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज थे अपार्ट फ्रॉम दी अपार्ट फ्रॉम योर स्टडी मटीरियल, मैंने उन सबका एक स्पाइरल करवा लिया था. मैंने उन सबको दो बार सॉल्व किया था. लाइक जब वो सॉल्व करते हो ना तब आपका खोजने का एबिलिटी बढ़ता है बिकॉज दैट इज ऑल यू नीड ड्यूरिंग द एग्जाम्स. आपको बस खाली खोजना है कि कहां पर क्या है एंड आपको लिखना है. आपको बस खाली ये खोजना है कि कहां पर क्या है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन रिस्क मैनेजमेंट. आपने पूरा सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया, आपने रट भी लिया, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि वो कौन से पेज में है देन यू मे लूज आउट योर मार्क्स. यू मे रन शॉर्ट ऑफ टाइम इन द रिस्क मैनेजमेंट एग्जाम. इट्स अ 4 आवर एग्जाम. तो आप लोगों को लग रहा होगा कि यार बाकी सब में 100 नंबर 3 घंटा, इसमें 100 नंबर 4 घंटा. देख लेंगे, देखने से नहीं होता है. एग्जाम में टाइम शॉर्ट पड़ता है. इंस्टीट्यूट बेवकूफ नहीं है, वो ऐसे ही क्वेश्चंस बनाता है कि 4 घंटे में आपका खत्म हो. इंस्टीट्यूट वैसे ही क्वेश्चंस उसी तरीके से पूरा पेपर को सेट करता है. अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट में आपका कंपल्सरी एमसीक्यूज है 40 मार्क्स का. जैसे मैं आपको ये तो नहीं बोलूंगा कि पूरा डायरेक्टली मटीरियल से आता है, बट हाँ मेजॉरिटी लाइक 80% आपको डायरेक्टली मटीरियल से मिलेगा. लाइक मेरे टाइम में ऐसा हुआ था कि रिस्क मैनेजमेंट का पेपर वॉज अ बिट ऑन डिफिकल्ट साइड, बट स्टिल आई गॉट 76. मेरे से मैं ये तो 76 तो कुछ भी नहीं है, मेरे से भी ज्यादा लोगों का आया है. पीपल हैव गॉट 81, पीपल हैव गॉट 85, बट आई वॉज वेरी हैप्पी कि नहीं मैंने जितना पढ़ाई किया आई गॉट 76 एंड आई वॉज हैप्पी. द मेन रीजन बींग अगेन माई स्ट्रैटेजी. आई एम फोकसिंग मोर ऑन स्ट्रैटेजी दैन कि मैं कितना रट सकता हूँ. एक वर्ड है स्मार्ट स्टडी. तो वो स्मार्ट स्टडी मैंने क्या किया था, मैंने पूरा पहले समझ लिया था. लाइक आप जब चैप्टर वन देखते हो उसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ रिस्क है, उसमें फिर आपको बताता है किसने किसने ये डेफिनेशन बोला था. यार एक ही डेफिनेशन को अगर 12 लोग बोल रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो कि आपको सबको रटना है. आपको बस खाली समझ लेना है कि वो क्या बोल रहा है उसमें, वो अच्छा बात है. एंड उसके बाद में दैट जो एग्जामिनेशन जो पास करने वाला जो चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये देखना पड़ेगा कि यार पहले चैप्टर में कहाँ कहाँ पर क्या है. तो वो अगर मैं बोलूँ कि आपको आपके टीचर ने दिया है दैट्स वेरी गुड, आप उसको तो लेके जाओ, संग संग आप अपना भी उसमें कुछ ऐड ऑन करो. आप अपना भी उसमें कुछ ऐड ऑन करो बिकॉज आप जब वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हो उस चीज को, आपको एक बार फर्स्ट टाइम तो मैट को पूरा थरोली पढ़ना है और आपको एक ही बार पढ़ना है. आप उस समय समझते भी रहो कि क्या क्या लिखा गया है एंड संग संग आप उसमें वो बनाते रहो नोट्स कि ICI ऐसे 315 में क्या बोला है, व्हाट इज योर मार्केट रिस्क, अलग अलग टाइप के रिस्क दिए हुए उसमें, कि नाइट ने क्या बोला था, ऐसे करके उसमें बहुत सारी चीज है. जितने भी सारे टेबल्स है उनमें आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा.
अपना खुद का नोट्स बनाइए रिस्क मैनेजमेंट में. रिस्क मैनेजमेंट कोई डिफिकल्ट पेपर नहीं है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट पेपर नहीं है. अच्छा, केस स्टडी आता है. केस स्टडी आता है तो आप केस स्टडी को एग्जाम में पहले पढ़ते हो. आप जैसे केस स्टडी पढ़ते हैं, देन यू सॉल्व आउट दी एमसीक्यूज एंड देन दी क्वेश्चंस. सो लाइक हमारे टाइम में जो केस स्टडी आया था वो ज़्यादा कुछ तो रिलेटेड नहीं था क्वेश्चन से, बट हाँ उनमें से डेटा जरूर मेरे को उठाना पड़ा था. लाइक कुछ कुछ डेटा था जो केस स्टडी का रीडिंग में उन्होंने दिया था, एंड फिर मेरे को वहां से पिकअप करके लाइक मेरे को एग्जाम में उसको सॉल्व करना था. तो केस स्टडी को पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक बार पढ़ लेना केस स्टडी को, एंड देन आप एमसीक्यूज. अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट में एक ग्रीड वाला फैक्टर आ जाता है. एक ग्रीड वाला फैक्टर क्या आ जाता है, बिकॉज सब लोगों ने एक ऐसा हाइप क्रिएट कर दिया है कि ये बहुत ज़्यादा ईजी है, इसमें तो 100 में 100. ऐसा नहीं है. इसमें क्या होगा, अगर आप वो ग्रीड ले आओगे अपने मन में कि यार इसमें तो मेरे को 100 में 100 आ रहा है, तो वो बहुत ख़राब चीज़ है. ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, बिकॉज मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ. ऐसा होता है कि लाइक आपको मान लो कोई एक पर्टिकुलर एमसीक्यू जो कि 2 नंबर का, आपको उसका सोल्यूशन ऑन द स्पॉट नहीं मिल रहा है. आपने खोजा, आपको मान लीजिए जैसे मेरे टाइम में क्या हुआ था, 2 नंबर के 5 एमसीक्यूज थे हर एक केस स्टडी में. तो मैंने खोजा, मेरे को नहीं मिला. तो मैं खोज रहा था, मैं देखा 10 मिनट हो गया मेरे को नहीं मिल रहा है. तो व्हाट यू शुड डू इज, अगर आपको नहीं मिल रहा आप उसमें सर्कल कर दो ना, आप आगे बढ़ जाओ. पहले जो जो आता है उसको एकदम अच्छे से कर लेना, फिर उसके बाद जो बैलेंस टाइम बचे उसमें आप आराम से खोजो. जितना टाइम मिला आप अकॉर्डिंगली डिवाइड कर लेना, आप उसमें खोजते रहना. बट ऐसा नहीं कि यार कैसे नहीं मिल रहा है, वहीं पर अपना ईगो ले आओगे कि यार कैसे नहीं मिल रहा, तब बहुत दिक्कत हो जाएगा. तो वो चीज़ क्या है कि आपको थोड़ा बहुत एक वो बना के चलना पड़ेगा, बैलेंस बना के चलना पड़ेगा. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन रिस्क मैनेजमेंट. अगेन कॉस्टिंग में मैं आपको बता रहा हूँ, कॉस्टिंग थ्योरी तो मैं नहीं बोलूंगा, आई वुड नॉट रादर यूज द वर्ड थ्योरी, बट इट इज केस स्टडी बेस्ड पेपर. कैसे ये आया आंसर, लाइक फॉर एग्जाम्पल 2 मेथड है कोई एक चीज को लाने का, तो लोग बोल सकते हैं पहले दोनों मेथड से सॉल्व करो एंड समझाओ दोनों मेथड में क्या डिफरेंस है, कौन सा मेथड बेटर है. लाइक ये सब बहुत, जैसे ट्रांसफर प्राइसिंग में बहुत ज्यादा होता है, डुअल प्राइसिंग होता है और बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं उसमें. तो लोग बहुत बार बोलते हैं कि यार समझाओ पहले दोनों मेथड, समझाओ कि इसमें क्या है कैसे है, एंड देन आप आंसर करो. तो कॉस्टिंग में इंस्टीट्यूट का रिसोर्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. लाइक इंस्टीट्यूट का अगर आप पूरा कंटेंट कर लेते हो तो कॉस्टिंग में आप फेल नहीं होगे. फिर अगर आपने सारा कॉन्सेप्ट समझा है तो आप कॉस्टिंग में फिर फेल नहीं हो सकते. इलेक्टिव पेपर, अगेन आई टोल्ड यू इंस्टीट्यूट का रिसोर्स एंड आपके खुद के मैपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप अपना एक कॉपी बना लो, लाइक आप अगर मान लो आज से रिस्क मैनेजमेंट पढ़ते हो, देन आई डोंट थिंक सो. अगर उसमें मान लो जो अगर आप ये मान के चलते हो कि रिस्क मैनेजमेंट में देर आर अराउंड लेट्स से सपोज 10 चैप्टर्स, तो आप 4-5 घंटा में एक चैप्टर का नोट्स आराम से बना सकते हो. आपको करना क्या, पूरा चैप्टर को समझना है एंड उसके बाद में आपको उसका ये लिखना, लाइक पेज नंबर 1 में दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स, पेज नंबर 2 में दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स, पेज नंबर 3 में दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स. तो ये बस खाली आपको कर लेना है. एंड अगर आपके पास वो ऑलरेडी है, देन आई वुड रिक्वेस्ट यू कि उसमें आप और भी बहुत सारा चीज एडअप कर सकते हो, ताकि एग्जाम में आपको बिल्कुल प्रेशर ना फील हो. सारा चीज समझना एंड आपको इंपॉर्टेंट चीज कौन सा कहां पर है. एंड मैं आपको बता रहा हूं, आपने सब कुछ बहुत अच्छे से बना लिया, आपको घर पे बैठ के रिस्क मैनेजमेंट के लिए खोजने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा. खोजने का प्रैक्टिस का मतलब क्या है, आप कोई भी पेपर उठा लो, लाइक नवंबर 19 वाज माय टर्म, आप वाला पेपर उठा लो एंड आप उसको करो. आप देखो आपको ज्यादा टाइम लगता है, आप पूरा करना, आपको खोजने में ही बहुत टाइम लग जाएगा. तो शुरू में आपकी आदत नहीं बनेगी, बट धीरे धीरे आप खोजते 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 आपको चीजें याद हो जाएंगी कि यहां पर ये है, यहां पर ये है, यहां पर ये है, यहां पर ये है. तो देन यू विल बी फील कंफर्टेबल. सो रिस्क मैनेजमेंट में व्हाट आई फेल्ट वाज अगेन इंस्टीट्यूट का मटेरियल, योर ओन मैपिंग शीट एंड योर पास पेपर्स, और इंस्टीट्यूट ने जितने भी सारे केस स्टडीज दिए हैं वो सारा का आपको. ऐसा नहीं करना है कि मान लो कोई एमसीक्यू है तो आपने उसका सॉल्यूशन देख लिया कि उसका आंसर ये है एंड देन आप वो मटेरियल में खोज रहे हो, ऐसे नहीं. आप पहले वो क्वेश्चन पढ़ो, आप उसको खोजो एंड ट्राई टू गेट द आंसर बाय योर ओन. घर पे तो कितना भी टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खोजो. आप जब एक चीज खोजते हो तो आप 10 चीज के बारे में जानते हो. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन रिस्क मैनेजमेंट. नाउ नेक्स्ट इज योर डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन. लाइक ऑनेस्टली मैं वीडियो तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट टैक्स मेरा उतना स्ट्रांग नहीं था, बट हाउ आई मैनेज टू गेट 54, आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू ऑल. लाइक डायरेक्ट टैक्स लॉज में मैंने एक कंपाइलर यूज़ किया था,
लाइक ही इज अ वेरी रेनाउंड टीचर एंड इज अ वेरी 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 गुड टीचर. आई वुड अगेन नॉट टेक द नेम. आप लोग मेरे को पर्सनल लेवल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. मैंने उनका जो आपका बुक है एंड उनका जो एक क्वेश्चन का जो बुक है मैंने वो पूरा फॉलो किया था स्ट्रेट. मैंने वो पूरा फॉलो किया था एंड मैंने जो फील किया टैक्स में लाइक कि अगर आप भी मेरे जैसे ही हो एवरेज स्टूडेंट हो तो लाइक मैंने जो फील किया कि टैक्स में क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक मैंने प्रोविजन तो सब कुछ समझ लिया था बट खाली प्रोविजन समझना इज नॉट इनफ. आप कितने ही अच्छे क्यों ना हो टैक्स में लेकिन अगर आपने क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया ना देन आपका टैक्स पढ़ा हुआ वेस्ट है. बिकॉज एग्जाम में प्रोविजन नहीं पूछते वो लोग, एग्जाम में वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं. तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तो आपको लाइक टैक्स में व्हाट आई वुड रादर सजेस्ट यू इज कि जैसे एमसीक्यूज के पीछे मत भागिए आप लोग. जैसे आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पेपर्स, अगर 8 पेपर है तो ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पेपर्स में एमसीक्यू आने लग गया है. लाइक दैट कंस्टिट्यूट्स अ वेरी मेजर पार्ट. बट लाइक जो 33 मार्क्स का एमसीक्यू आता है आप एमसीक्यूज के पीछे मत भागो. अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है ना, अगर आपने पूरे अच्छे से पढ़ाई की तो एमसीक्यू आप डेफिनेटली 200% आंसर कर पाओगे. दैट इज माई गारंटी कि आप एमसीक्यूज पक्का से आंसर कर पाओगे. लाइक फॉर एग्जाम्पल लाइक ऐसा होता है कि जैसे मान लो एक चैप्टर है तो जो चैप्टर से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पहले आता था, छोटा चैप्टर है तो जो चैप्टर से पहले वो लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाते थे अब उसे से वो लोग एमसीक्यू बनाते हैं. तो आपने अगर वो चैप्टर कर रखा है तो आप उसका एमसीक्यू आंसर कर पाओगे, दैट इज फॉर श्योर. बट प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है तो आप कोई भी एक किताब खरीद के या फिर आप अपने खुद से भी बना सकते हो. लाइक जितना भी सारा पास पेपर्स है बट उसमें बहुत मेहनत हो जाएगा. तो लाइक आप कोई भी एक क्वेश्चन का बुक, लाइक ICAI ने जितने भी सारे पास एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं, जितने भी सारे RTPs है, जितने भी सारे MTPs है, तो ये सारा आपको बहुत 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 अच्छे से करना है. लाइक क्वेश्चंस पे आप जितना ज़्यादा फोकस करोगे आपका उतना ही अच्छा मार्क्स आएगा डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन में. सो दैट इज़ व्हाट आई फेल्ट वॉज वेरी 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 क्रूशियल फॉर माई पासिंग द एग्जाम्स कि मैं डायरेक्ट टैक्स में 54 ला पाया एंड दैट वॉज ओनली बिकॉज आई सॉल्व्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. एंड इनडायरेक्ट टैक्स लॉज में मैंने अगेन एक बुक खरीदा था तो वो बुक में इट्स वॉज लाइक बहुत अच्छा किताब था वो. तो इनडायरेक्ट टैक्स लॉज में मैंने सिर्फ वही बुक फॉलो किया था. उसमें अराउंड अगेन मैं टैक्स दोनों का बात करूँ तो अगर चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो, आप लाइक पता नहीं आप लोग कितना छोड़ के जाओगे. बट जो भी MCQ वाला पेपर है, जो भी MCQ वाला पेपर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको बहुत अच्छा करना है तो आप कुछ भी छोड़ के मत जाना बिकॉज वो लोग MCQ कहीं से भी पूछ सकते हैं. लाइक जो चैप्टर से मान लो आपको लगता है क्वेश्चन नहीं आता है इससे, उसी चैप्टर से MCQ दे देगा. तो ये चीज़ बहुत कॉमन है तो ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि मतलब उसी चैप्टर से वो लोग MCQ दे देते बहुत बार. तो आपको वो जो भी MCQ वाला पेपर्स है आई वुड रादर रिक्वेस्ट कि कुछ भी चीज़ ना छोड़ के जाओ तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा. आप लोग MCQ बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओगे एंड एज वेल एज आप लोग थ्योरी क्वेश्चंस को भी बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओगे उसमें. एंड इनडायरेक्ट टैक्स लॉज में अगेन मैं बता रहा हूँ लाइक सारा क्वेश्चंस जो भी है, जो भी टैक्स वाला है, आप प्रोविजन अच्छे से समझ लीजिए एंड जब आप नेक्स्ट टाइम पढ़ते हो ना आप क्वेश्चंस जितना सॉल्व कर पाओगे आपका उतना अच्छा फ्लुएंसी बनेगा. सो इनडायरेक्ट टैक्स लॉज में आप जितना भी हो सके क्वेश्चन, मैंने को 70 मिला था एंड दैट इज ऑल बिकॉज कि मैंने सारा का सारा क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर लिया था. मैंने पास पेपर्स किया था, मैंने RTP भी एक दो देखे थे. तो लाइक आई वुड ये वीडियो जो मैंने किया एंड कॉस्टिंग में लाइक मैंने एक बुक मेरे को मिला था. लाइक आई टुक कोचिंग फॉर कॉस्टिंग फॉर माय सेकंड अटेम्प्ट. लाइक ग्रुप टू का मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था वो. तो आई टुक दैट कोचिंग एंड इट वॉज रियली हेल्पफुल फॉर मी एंड दैट बुक. इन दैट बुक जिनसे मैंने लिया था उन्होंने उसमें पूरा सब कुछ कंपाइल मेरे को करके दिया था. लाइक सारा भी इंस्टीट्यूट के जितने भी सारे क्वेश्चंस थे, जितने भी सारे RTP थे, जितने भी सारे MTP थे एंड जितने भी सारा पास एग्जाम का क्वेश्चंस था. तो दैट बुक हेल्प मी अ लॉट इन गेटिंग 69 इन कॉस्टिंग. सो लाइक कॉस्टिंग के लिए मैं इसलिए बोला कि इंस्टीट्यूट का रिसोर्स इज इनफ. एंड अगेन डायरेक्ट टैक्स लॉज में आपको लाइक क्वेश्चंस जितना हो सके, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स लॉज में क्वेश्चंस जितना हो सके. एंड इनडायरेक्ट टैक्स लॉज में कि मेरा ऑनेस्ट एडवाइस रहेगा कि GST तो इंपॉर्टेंट है ही है बट प्लीज डोंट मिस आउट ऑन द कस्टम्स वाला पार्ट बिकॉज कस्टम्स वाला पार्ट इज सुपर ईजी एंड इट्स वेरी 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 स्कोरिंग. लाइक तो कस्टम्स वाला पार्ट को आप ना छोड़े तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए. एंड GST आप बहुत अच्छे से पढ़े बिकॉज वही चीज़ है जो आप आगे जाके अप्लाई करेंगे.
डिफरेंस यही है मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट एंड सेकेंड अटेम्प्ट में कि फर्स्ट अटेम्प्ट देने के बाद में मैं सिर्फ प्रवीण पटवारी था एंड सेकेंड अटेम्प्ट देने के बाद में मैं सीए प्रवीण पटवारी बन गया. तो ये मेरा ऑनेस्ट अपील है कि आप जो भी चीज़ से अभी गुजर रहे हो, अगर आप सीए फाइनल स्टूडेंट हो तो आप जो भी चीज़ से गुजर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट हो. लाखों उस चीज़ से गुजर चुके हैं, दे हैव पास, दे हैव गॉट गुड मार्क्स एंड दे हैव गॉट अ रैंक ऑल्सो. मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं जस्ट एक एवरेज स्टूडेंट हूँ. बट हाँ, प्लीज़ अपने मन में ये सब नोशंस ना बना के रखें कि मार्क्स नहीं मिलता है. आई नो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है, बट आप वो सब के बारे में ना सोचो तो बहुत अच्छा होगा. आप सिर्फ अभी आपका अगर मान लो मई में एग्जाम है, नवंबर में एग्जाम है, सिर्फ पूरा फुल फ्लेजेड अपने पढ़ाई पे लग जाइए. एंड प्लीज़ 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 आप अपना स्ट्रैटेजी बनाइए. ये मेरा स्ट्रैटेजी था पास होने के लिए, हो सकता है ये आपको हेल्प करे या फिर आपको हेल्प ना भी करे. तो प्लीज़ अगर आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे ज़्यादा है तो आप अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए. अगर आपको लगता है कि कुछ इससे पॉइंट्स लेना चाहिए तो वो भी लीजिए. सो ये जो टैग है, दिस टैग इज़ अ वेरी 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 प्रेशियस. लाइक 2016 जनवरी को मेरा रिजल्ट आया था एंड उस दिन का जो फीलिंग होगा कि जिस दिन आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो आफ्टर सो मच ऑफ ट्रबल, लाइक 1 ईयर ऑफ ट्रबल मैंने जो लास्ट का 1 ईयर जो गुजारा है, देयर वर लाइक मेनी ब्रेकडाउंस एंड एवरीथिंग वाज देयर. बट वो दिन जो था एंड वो सब कुछ एक साथ नलीफाई हो जाता है ना, जैसे लाइक इतना जो दुख आया एक बार में और जो सुख एक बार में आता था, तो सब नलीफाई हो गया. एटलीस्ट जो नेट प्रेजेंट वैल्यू पढ़े होंगे आप लोग SFM में, तो वो मेरा पॉजिटिव ही था. सो ये मेरा स्ट्रैटेजी था. सो अगेन आई वुड रिपीट, ग्रुप टू के लिए कॉस्टिंग के लिए मैंने जो एक वो ट्यूशन लिया था, दैट वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर मी. एंड उसमें जो मेरे को मेन जो किताब मिला था जो मेरे को, तो दैट बुक वॉज वेरी हेल्पफुल बिकॉज उसमें सर ने सब कुछ कंपाइल करके दिया था एक साथ, लाइक सारे जितने भी सब ICAI के क्वेश्चन थे, MTP था, RTP था, तो मेरे को जगह जगह जाके खोजना नहीं पड़ा था. दैट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. रिस्क मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया, इंस्टीट्यूट का मटीरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका मैपिंग शीट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स लॉज में आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं आप उतना करिए, बिकॉज आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे आपका दिमाग उतना ही खुलेगा एंड यू विल गेट टू नो कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं. थैंक यू.